करना है। कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं आपने, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? जी, ये सब मलबा गिरने की वजह से नाली का रास्ता बंद हो गया है दोनों तरफ से जी, और यहाँ खतरा भी है, बच्चे खेलते रहते हैं, ये मलबा किसी के भी ऊपर गिर सकता है किसी भी दिन, बारिश होने पे, भूकंप आने। तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए इसको गिरे हुए। 3 से 4 महीने हो गए, अगर आप ये वीडियो ले सकें, ये देखिए नाली का पानी कहीं नहीं जा रहा, ना उधर जा रहा है ना इधर आ रहा है, इस मलबे की वजह से। तो उसके लिए कहीं आपने कंप्लेन की हो या कहा हो? सब मोहल्ले वालों ने लिख के दिया था, डीएम साहब उस दिन नहीं मौजूद थे, एडीएम साहब ने ऑर्डर किए थे उस पर इसकी सफाई के लिए, बट जो आए थे अपना म्यूनिसपैलिटी वाले, उन्होंने कहा यहाँ से हम इसको नहीं खोल सकते, ये मलबा हमारे ही ऊपर गिर जाएगा। अच्छा, जो पिलर है अगर उसको साफ करेंगे नाली को तो नीचे से नाली साफ करने शुरू करेंगे वो, आगे से उन्होंने किया है, पर वो जो पानी दिख रहा है वो आगे के मकानों का इधर आ रहा है बैक मार, तो आप पानी नहीं जा रहा आगे। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? और कहना चाहेंगे प्रशासन किसी भी तरह इस मलबे को उठवाए अपना और नालियां वालियां खुलवाए, मोहल्ले में सब बीमारी फैलेगी इनसे, साफ सुथरा सब था ये पूरा इलाका, पर ये सब पानी भर रहा है, यहीं मर रहा है सारा पानी, और बदबू आती है उससे, नुकसान है।